किसानों के बारे में गलत बोलते हैं, इलेक्शनों के डर के मारे इलेक्शन के डर के मारे या इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसका उद्देश्य चंदा प्रसाद कराने के लिए रंगना नाव सिद्धि से ऐसे भाषण करवा रहे हैं। आज वही किसान इनकी भाषा में मुजरा वर्ड यूज होता है। भारतीय जनता पार्टी एक आज जो कंगना ने बयान दिया था उसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है और उन्होंने किसानों के लिए जो शब्द यूज करे हैं, लफ्ज यूज करे हैं, वो गलत है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उस अन्नदाता का ही पूरा हिंदुस्तान, हम सब ये अन्नदाता का ही जो खाना खाते हैं। तो हम कंगना रावत का जो बयान था और जो बीजेपी ने बयान दिया है, हम उसको उसके अगेंस्ट हैं, हम उसकी ये निंदना करते हैं और ये बयान, ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए। इससे पहले भी कंगना रणावत द्वारा विवादित बयान दिएंगे उसको, और भी कई बार कई बीजेपी नेताओं द्वारा दिएंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है जी, ये किसानों के लिए, किसानों के हित की बात नहीं करते। किसान सारा दिन अपनी जमीन में मजदूरी करता है, सारे देश को अन्न देता है, सारे देश को अन्न देता है, तो उसी किसानों को हम उन्हीं के किसानों को हम ऐसे शब्द यूज करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। आम आदमी पार्टी आज पंचकूला जिला पूरा आम आदमी पार्टी का आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़े समय में हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता है वो सब हम यहाँ इस चौक में बैठ के और प्रोटेस्ट करेंगे और इस चीज का विरोध करेंगे। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तैयारियां भी चल रही हैं और बीजेपी द्वारा डेट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनका तर्क है कि उस दिन छुट्टी है, अगर छुट्टी के दिन होगा तो मतदान कम होगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक बात है, जो अगर चुनाव कमिश्नर इसके ऊपर डिसीजन लेगा, अगर छुट्टी वाले दिन करेंगे तो ये बात मतलब पोलिंग ज्यादा हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन ये हाई कमांड का फैसला है, ये हमारी हाई कमांड ने देखना है। तो हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो अपने जो हमारा हाई कमांड का देश है, आज तो प्रोटेस्ट वाली बात है, हम उसके ऊपर ही ध्यान दें।